नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत धन था, नौकर चाकर थे, धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु बेटा वो बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन रात खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता था। अपने खेत में काम करने से अलग वह मजदूरी भी करता था। उसके पास अपनी कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी। प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता था, उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि उसके घर में उस दिन चूल्हा तक नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नित्य कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और वहाँ वह पहले मंदिर की सफाई करती थी और फिर भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसने अपनी गरीबी से कभी कोई शिकायत नहीं की। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, पर उसका अपने भोले बाबा में पूरा विश्वास था। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे। वे थोड़े में ही गुजारा करते थे और वह भी अपने पति के साथ खुश रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, वह अमीर होने के कारण बहुत घमंडी हो गई थी। भाई के गरीब होने के कारण उसे उससे रिश्ता रखने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरी बराबरी का नहीं है। वह अपने भाई और अपने परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की नंद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसे नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, किंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की नंद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने तो बुलावा नहीं भेजा है और ना ही कोई आमंत्रण आया है। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे नहीं नहीं, उसने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे जो भी संभव बन पड़ा, वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुँचा तो उस पर किसी की नज़र ही नहीं गई। परंतु जो उसकी घमंडी बहन थी, उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया ही नहीं था, फिर ये यहाँ कैसे आ गया। उसे भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। अब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ और ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का वेश कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह से घिसे हुए हैं। उसके हाथ में एक थैला भी है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। तब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दिया। भाई आते आते रास्ते भर सोचता रहा था कि वह बहुत दिनों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा है तो उसकी बहन उससे मिलकर कितनी खुश होगी। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने के लिए कहा। उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका क्या हाल है और परिवार में बाकी सब लोग कैसे हैं।
भाभी और भतीजे कैसे हैं। उल्टा वह उससे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया और यहाँ क्यों आए हो। भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटे हाल में मेरे यहाँ क्यों आए। यहाँ आकर तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है। तब भाई कहने लगा कि बहन, मेरा तुमसे मिलने का बड़ा मन हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है कि अब ठीक है, तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। बेचारा भाई बहुत दूर से पैदल चलकर आया था। उसे भूख और प्यास सता रही थी, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे दो दिन बीत गए, बहन ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर बेचारा भाई भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले, बिना किसी को कुछ बताए, चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ कोई भाई बहन का रिश्ता रखना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड हो गया है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती। भाई बेचारा दो दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते बीच बीच में बैठ जाता, फिर ऐसा करते करते आधे रास्ते तक आ गया और भूख प्यास के चलते वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माँ पार्वती यह सब दृश्य देख रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, यह तो बेहोश हो गया स्वामी। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना भोजन तक नहीं करती। यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, हम अभी इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वे दोनों वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा, तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा, माँ आप कौन हैं। तब पार्वती बनी बूढ़ी माँ बोली, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ और जब तुम्हें गिरते देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। बूढ़ी माँ ने बड़े प्रेम से उससे पूछा, बताओ बेटा तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माँ पार्वती ने उससे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो। वह माता से कहने लगा, माँ मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहन की नंद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी संभव हो सका लेकर अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने रोते रोते अपनी सारी आपबीती उस बूढ़ी माँ को सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा,
यह सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है। बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। वह बोला, हाँ माँ यह ठीक रहेगा। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसने अपने थैले में तरबूज और ककड़ियाँ तोड़कर भर ली और घर की तरफ चल दिया। वह अपने घर पहुँचता है तो उसके बच्चे भागकर उसके पास आते हैं। बच्चे सोच रहे थे कि जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज लाए होंगे, उनका थैला भरा भरा दिखाई दे रहा है। बुआ तो वैसे भी बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं और उसकी पत्नी भी पानी का ग्लास लेकर आती है और वह कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि आपका पूरा थैला भरा हुआ है। मगर बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वह कहने लगा, जो भी दिया है सब कुछ थैले में ही रखा है। यह कहकर वहां से बाहर चला गया। उसकी पत्नी थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें तरबूज और ककड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि दीदी ने तो बहुत ज्यादा दे दिया, उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखी नहीं गई होगी शायद, इसलिए उन्होंने इतना कुछ दे दिया है। तब वे तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज के अंदर बीजों की जगह पर हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तो वह उससे कहने लगी कि ये दीदी ने क्या दे दिया। उसका पति यह सोचकर हक्का बक्का रह गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़े बर्फी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो यह तुम खीरे और तरबूज क्या लेकर आ गए हो। वह कहने लगा, ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं है। वह बोली, जरूर बहन को तुम पर दया आ गई है, उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है, इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी, हमारी नंद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारा सारा दारिद्र ही दूर कर दिया। फिर उस तरीके से वे बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफी दिन हो गए थे, उस आदमी ने यह राज अपनी बीवी बच्चों को नहीं बताया और मन ही मन भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती को धन्यवाद करते हुए साथ में उस बूढ़ी माँ को भी धन्यवाद देता रहा। अब तक उसकी पत्नी यही सोच रही थी कि अपनी नंद की वजह से ही हम इतने अमीर हो गए हैं, इसलिए भाई की पत्नी उस पर बार बार जोर देकर कहती कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है और वो तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आ जाओ, वह भी कुछ दिन अपने मायके घूम लेंगी। तब उनका भाई कहने लगा, ठीक है मैं अपनी बहन को लेने चला जाऊंगा। भाई के पास भी काफी पैसे थे, वह अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे तरीके से तैयार हुआ, बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और वह सब सामान लेकर अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल दिया। अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा तो बहन के पास गई और कहने लगी, तुम्हारा भाई आया है। फिर वही घमंडी बहन बोली कि मेरा भाई आया है, वह किस वेशभूषा में आया है। उसकी देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है, उसके हाथ में बहुत सारे कीमती उपहार हैं। तब वह कहने लगी, दरवाजे पर मेरे जेठ और ससुर बैठे हैं, इसलिए अगर मैं अपने भाई को नहीं लेने गई तो वे लोग क्या सोचेंगे, अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी। और वह दरवाजे पर आती है और भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है, उसका आदर सत्कार करती है। यह देखकर उसका भाई सोचने लगता है कि बहन में इतना बदलाव कैसे आ गया, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा और दो दिन तक भूखा प्यासा मरने के लिए एक बंद कमरे में छोड़ दिया। आज मेरे पास धन दौलत है तो वह मेरी कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने ये सब बातें अपने मन में ही रखी और फिर वह अपनी बहन से बोला कि तेरी भाभी बहुत जिद कर रही थी कि कुछ दिन के लिए तुझे बुला लाऊं,
बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी मायके गए हुए बहुत दिन हो गए, मैं चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर पहुँचती है तो अपने भाई का घर, परिवार, उसकी शानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है, उसकी बहुत सेवा करती है, क्योंकि अब तक उसे यही लगता था कि उसकी नंद की वजह से ही वो इतने अमीर हुए हैं, उनके सारे दुख उनकी नंद की वजह से ही मिट गए हैं। अगर हमारी नंद धन नहीं बेचती तो हम लोग आज भी वैसे ही गरीब के गरीब ही रहते। यह सोचकर वह अपनी नंद की खूब खातिरदारी करती है, उसकी हर मांगी हुई मुराद पूरी करती है। उसकी नंद कहती है कि मुझे यह साड़ी खरीदनी है, या अन्य कोई फरमाइश करती तो उसकी भाभी तुरंत उसे दिलवा देती। अब नंद का वापस अपने ससुराल जाने का समय हो जाता है, तो भाई बोला, ठीक है, बहन को विदा तो करना ही है, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और उसने कहा कि एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची ने कहा, ठीक है, मैं बना देता हूँ। बोलने वाली जूती बनाने के लिए एक दो दिन का समय लगेगा। उसने कहा, ठीक है। वह घर आ गया और अपनी बहन से कहा कि बहन, एक दो दिन और रुक जाओ, तुम फिर चली जाना। एक दो दिन तो तुम रुक ही सकती हो ना, जब तक तुम्हारी सुंदर सी जूती भी बन जाएंगी। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया, मैं रुक जाती हूँ। दो दिन बाद जब वे जूती बनकर आई तो बहन उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। जूती पर बहुत मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी, उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। जब वे जूतियां पहनती है तो उस जूती में से आवाज आती है कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है, और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह जूती तरह तरह की बातें बनाती। ये सारी बातें उस भाई की पत्नी ने सुन ली और अपने पति से कहने लगी, ये कैसी जूतियां लाए हो, ये क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा कि यह तो जूती हैं, जैसे मोची ने बना दी वैसी बन गई, लेकिन यह क्या कह रही है मुझे नहीं पता। बहन का अपने घर से विदा होकर जाने का समय हो गया। अब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसकी भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है, जब उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब वह विदा होकर चली गई तो उसने फिर से वही जूतियां डाली। उन्हें पहनते ही जूतियों में से आवाज आने लगी कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ कर भेज दिया। बहन के दिल में शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया, और इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था और वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी कि ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। उसका पति बोला, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। तो वह बोली, नहीं, कोई ना कोई तो बात ज़रूर है जो तुमने मुझसे छुपाई है। अब वह जिद करने लगी कि वे जूतियों का क्या राज है, वह मुझे भी बताइए। उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं अपनी बहन के घर गया था तो बहन ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद मेरी बहन के भांजे की बहू ने कमरा खोला और मैं वहाँ से निकल भागा। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन और भाई ही क्यों ना हो। वहाँ से निकलकर मैं चलता हुआ घर की तरफ आ रहा था, तब रास्ते में मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक बूढ़ी अम्मा ने मुझसे कहा कि मेरा बगीचा है, तुम बगीचे में से तरबूज और ककड़ी भर लो। मैं वही तरबूज और ककड़ी लेकर घर आया था। उस बूढ़ी माँ
और साधु बाबा के कारण हमारी हालत गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की थी और ना ही उसने कोई मुझे दिया था। उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी नंद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे अवश्य ही मेरे भोले बाबा और पार्वती माता थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती ने ही हम पर दया की थी, उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हो गए। तब उसका पति कहने लगा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो। ऐसे एक तरह से देखा जाए तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वो मुझे घर से ना निकालती, मेरा निरादर ना करती, मुझे भूखा ना रखती, मैं उसके ससुराल से नहीं भागता। तब हम पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा नहीं होती। इस घटना के बाद उन दोनों पति पत्नी के मन में भगवान भोले शंकर और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास और अधिक बढ़ गया और उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। उनको समझ आ गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान स्वयं भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।